अभी हो रहे शाम के 6, हमने होटल वगैरह सब चेक इन वगैरह कर, भूख बहुत जोरों की लग रही है आफ्टर दैट ट्रैक। वी आर प्लानिंग फॉर जिस्पा, बिकॉज हमने पता किया परमिशन वगैरह नहीं लगती है उसके लिए। हमें ये चप्पल पहन के आना पड़ता है एंड जूते हम लोगों को नीचे खोलने पड़ते हैं। सो दिस इज आवर रूम। बालकनी आल्सो, अ सीट ऑफ बालकनी। और बहुत ही सही होम स्टे यार, मतलब इतनी साफ सफाई है यहाँ पे। अगर आप एक बजट होम स्टे देख रहे हो ना, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यू विल गेट इट एट 2000 रुपीस। और डिस्क्रिप्शन में मैं ओनर का नंबर और नाम डाल दूंगा, आप डायरेक्टली आप बुकिंग कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ रेंटल बाइक, आपको कोई टेंशन नहीं है कि पिक करना है, उठाना है, फिर लौटाना है। आप पहले बता दो, यहाँ पे आपके लिए बाइक भी। चेक इन किया है द मनाली क्वाम होगा, होमसिक रन, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू समर रश व्लॉग, एंड टुडे इट्स डे 6। ये हमारे पास आज ही का दिन है, तो हम वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। सबसे पहले स्कूटी में पेट्रोल डलवाना होगा, क्योंकि पेट्रोल उसमें नहीं है। और ब्रांड न्यू स्कूटी मिला है भाई 800 रुपए में पर डे के हिसाब से। चलते नीचे फिर बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शक्शुका। इट्स अ नॉर्थ अफ्रीकन डिश। अच्छा, हमारा प्लान यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का नहीं था, बट बहुत काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी ब्रेकफास्ट था। अब हम लोग निकल रहे हैं। बाप रे, मौसम तो अजीब हो चुका है, टेंशन हो रही है, थोड़ी डर भी लग रही है, लेकिन मज़ा आएगा आई थिंक इस वेदर में। इससे जाने वाले हैं आज राइड पे। हमारे पास राइडिंग गियर्स तो नहीं था, क्योंकि कोई भी प्लान नहीं था कि मतलब बाइक लेना है और ड्राइव पे जाना है। बस अपना जो राइडिंग गियर्स होता है ना डेली यूज का, मास्क है, ग्लव्स है, जैकेट एंड ऑल दोस थिंग वी हैव। गाइस, तो अभी हम लोग पालचन ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। और पालचन ब्रिज के पहले जो रास्ता राइट की तरफ जाता है वो लोहतांग पास ले जाएगा, और आगे जो रास्ता है ये लगभग 89 दर्शन ले जाएगा, ये दर्शा ले जाएगा, और ले वगैरह का रास्ता इधर ही से है। मनाली रोड इसको बोलते हैं एक्चुअली। दर्शा जाना है हम लोगों को 94 किलोमीटर, ले भी निकल सकती हो, 420 किलोमीटर है। ये पहला हॉल्ट है, और पहले हॉल्ट पे मस्त हम लोग को मिला है गर्मा गर्म भुट्टा। और मैं मफलर लाना भूल गई, तो अब मैं इसका मफलर यूज करूंगी। नंबर भी नहीं मिला, टेम्पररी नंबर से चल रहा है ये, बट पेपर्स वगैरह हमारे पास सारे हैं, तो कोई इश्यूज नहीं है। राशि को मिल गया गर्मा गर्म भुट्टा, 50 रुपए की एक पीस है, पहाड़ पे तो भाई महंगा रहेगा ही। जबरदस्त, पूरे चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ मौसम, ठंडा ठंडा, और गर्मा गर्म भुट्टा के साथ ये गर्मा गर्म राशि। गाइस, हम लोग अटल टनल में इंटर कर चुके हैं, और इसमें स्पीड लिमिट जो है वो 60 है। अब हम लोग जा रहे हैं शिशु लेक, बट हम लोग शिशु लेक के पास नहीं जाएंगे। अगर आपको शिशु लेक के रिगार्डिंग अगर कुछ भी ऐसा हमारा वीडियोस देखना है, बाय बटन ऊपर आ रहा होगा, तो आप जाइए। और पिछला जो व्यू है टनल को क्रॉस करने के बाद का है, खाली है, इतना खाली है, मतलब कोई है ही नहीं, नजर ही नहीं आता है। बस डर इस बात का है कि बारिश हो रहा है, बारिश के कारण लैंडस्लाइड्स वगैरह होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ना, और मेरे कैमरा के लेंस पे भी अब भाप जम जाता है। इधर मनाली सरचू रोड, तो अभी हम लोग टांडी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 1 किलोमीटर और बचा हुआ है, और यहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है 7 किलोमीटर और आगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी पेट्रोल रहता है या डीजल रहता है ना, आप यहाँ पे फुल करा सकते।
हमने फुल टैंक फिर से करवा लिया है यहाँ पे, सो दैट इन केस इमरजेंसी के लिए। लोग जा रहे हैं किलोंग की तरफ। और किलोंग में मतलब आप अगर चाह रहे हैं ना लंच ब्रेकफास्ट का डिनर ऐसा यहाँ पे रुक भी सकते हैं। सरचू जाना है तो यहाँ से 120 किलोमीटर है सरचू। सरचू इज इन ले आई गेस। गाइज ये हमारे पीछे का व्यू और हम लोग जिस्पा पहुंच चुके हैं। कभी सोच नहीं थे कि स्कूटी से इतने दूर तक कवर कर पाएंगे, अभी तक हम लोग लगभग 100 किलोमीटर कवर कर गए। दीपक ताल 15। तो राशि बोल रही है कि हम लोग जब यहाँ तक आए तो दीपक ताल भी कवर कर लेते हैं। हमारा कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है, मौसम के अकॉर्डिंग प्लान हम लोग अपना आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं था ये, जेस्पा से सिर्फ 2 या 4 किलोमीटर ही था। और ये भी चर्चा का ये पुल है, लग रहा है फिर सा सीरियल नंबर देना पड़ेगा चेक पोस्ट पे। आप लोग अगर दर्शा आप इंटर कर रहे हो ना, पुलिस की वहाँ पे चेक पोस्ट होती है, उस चेक पोस्ट पे आपके बाइक का या फिर गाड़ी का नंबर नोट किया जाएगा ताकि वो एंट्री हो जाती है कि ये गाड़ी है ना इस रूट से गई है। आपको एक सीरियल नंबर दिया जाता है, वो सीरियल नंबर वहाँ पे बोलने से ना वहाँ पे क्लियर हो जाती है। ट्रिप इज स्टिल ऑन, हाउएवर वी हैव रीच दीपक ताल। सो फाइनली वी रीच। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत ठंडी है यार, पानी का क्या हाल है देखते हैं। नॉर्मल है क्योंकि हमारा हाथ ही ठंडा होगा ज्यादा। गाइस तो हमारा ये आज का ये लास्ट स्पॉट होगा, इसके आगे हम लोग आज नहीं जाएंगे। बहुत ही ठंडा लग रहा है, हालत खराब है फिलहाल, तो हमारा पूरा एकदम पता है स्किन आउट हो रहा है यहाँ से। आई नो, सो वी विल बी हैविंग टी राइट नाउ, गरम गरम, जो कि ठंडा हो जाता है चाय एकदम। अभी हम लोग खाने वाले हैं मैगी और लद्दाख के बॉर्डर पे हम लोग ऑलमोस्ट। व्यू के साथ ये मैगी का मजा ही कुछ और। पहाड़ों की मैगी और दीपक ताल के जस्ट अपोजिट में। आइए हमारे यहाँ दीपक ताल। यहाँ से अगर सेम रूट लेते हो तो चले जाओगे 12। अच्छा यहाँ से 30 किलोमीटर है। पूरा स्नोफॉल हो रहा है एक्चुअली और मौसम बहुत खराब होने वाला है। चलो, एकदम बर्फीली हवा चल रही है अभी, बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। चश्मा डाल लिया है क्योंकि मेरे आँख पे पानी आ रहा है। जो मौसम का नजारा है वो आपको क्या बताएं, बीच बीच में ड्रिजलिंग हो रही है, कहीं कहीं एकदम पूरा सूखा हुआ है, ट्रैफिक एकदम भी नहीं है। रोड बहुत अच्छा है भाई, एक दो जगह आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेगा, बहुत इजी है। स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रहा है अभी तक का। कुछ हो रहा है अराउंड 4:30, अपने एवरेज स्पीड से चल रहे हैं। छोटा चक्का होता है ना, स्किड करने का चांस ज्यादा होता है। पहुंच गए अपने होटल वापस और अभी हो रहा है अराउंड
8:30 और हमारी शक्ल आप देख करके पहचान सकते हो हम लोग कैसे लग रहे हो. सो द थिंग इज दैट दीपक ताल से और 20 किलोमीटर आगे जाते तो सूरज ताल मिलता, वो भी हम लोगों को मन था, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था. नमूने पहुंचे हुए थे जो स्कूटी से पहुंचे हुए थे, ज्यादातर बाइकर्स ही दिख रहे थे. हाँ तो एकदम जम से गए थे, हालांकि मैंने ग्लव्स वगैरह सब डाल रखे. तो आंटी से रूम हीटर मांगा है. 7 डिग्री टेम्परेचर में क्या हाल हुआ होगा हम लोग. और टोटल जर्नी आज हम लोगों ने कवर किया वो था टोटल 280 किलोमीटर अप एंड डाउन. स्कूटी पे 280 किलोमीटर आप समझ सकते हो ना, वो भी घाट वाले रोड में. यहाँ पे आंटी से ही मतलब डिनर वगैरह के लिए बोल दिए हैं. ठंड लग रही थी, हीटर अगर लगाना हो तो ध्यान से लगाना बच्चे. नहीं आप नहीं लगा रहे हैं ना. ठीक, आज हमारा डिनर यहीं पे है एंड हम खाने वाले हैं आज कड़ी चावल और मलका दाल. तो मसूर तो हम लोग भी बोलते हैं अपने साइड. हाँ मतलब हिमाचल में यहाँ पे मलका दाल बोलते हैं. हम लोग थोड़े लेट है आंटी आज, क्योंकि कल के जर्नी के बाद ना कल की जो ट्रिप थी थक गए थे. और आंटी आज आपने क्या बनाया है? आज पराठे बनाए बेटा, पराठे दही बटर आम का अचार. तो गाइस आ गया हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे, गर्मा गर्म पराठे और आम के अचार. अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि आज बारिश रुकेगी तो फिर थोड़ा सा मॉल रोड वगैरह शॉपिंग वॉपिंग करेंगे. तो हम लोग ऑलमोस्ट सब पैकिंग वगैरह सब चीज हो चुका है कल के लिए, क्योंकि हम लोग को तो चंडीगढ़ निकलना है. गाइस बाहर में बारिश इतनी ज्यादा हो रही है तो हम लोग ने सोचा कि एक चलो रेनकोट ले पहन करके ही घूमेंगे अभी मॉल रोड. रेनकोट भी ले लिया यूज़ एंड थ्रो वाली. और जिस तरीके का रेनकोट मिला है ना यार ये तो बेस्ट है, क्योंकि अभी 50 रुपए में छाते मिल रहे थे वो भी 1 घंटे के लिए रेंट पे. राशि का रेनकोट तो मतलब डूब गई है. मैक्सी ड्रेस के ऐसा काम कर. मॉल रोड वाली अपनी शॉपिंग हो गई है तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग के लिए. गाइस तो हम लोग कलाज पहुंच गए हैं. अभी हम लोग को खोजना है हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है. आपके लेफ्ट साइड नदी बह रहा है, पानी बह रहा है, ऊपर से बारिश और ये बादल और ये पहाड़ और ये रोड और ये स्कूटी. हॉट स्प्रिंग ये पहाड़ से आता है ये पानी. और ये है कलात का प्राइवेट हॉट स्प्रिंग. 1000 में 5 आदमी भी आ सकते हैं मैक्सिमम. इट्स जस्ट लाइक राजगीर में जैसा है वैसा ही सीन है, बस इसका है कि प्राइवेट है ये. कपड़े टांगने के लिए है. अगर पानी ज्यादा आपको गर्म लग रहा है ना तो आप उनको बोलिए तो देखिए एक दूसरा वाला जो नोजल है पानी का वो खोल देंगे. वो ठंडा का है और ये गर्म का है तो वो मिक्स कर देते हैं इसके साथ. No one will be there to disturb you. Mm-hmm. Yeah, you can enjoy your moment there. Yeah, it's already. Yeah. But we booked the open one. Open one. Okay. I don't know, I just like it. A hot bath ho gaya hai. Mast wala ekdam relaxing moment tha hamare liye. Yahan pe ek cafe hai chota sa. We'll order something. Directly agar aap garam pani se bahar nikal ke aa rahe ho aur fir ride pe ja rahe ho to wo sahi nahi hoga body ke liye. To aap thodi der baith jao, relax ho lo. Body ko normal temperature pe aa jaan. So guys, hamara chicken momos bhi aa gaya hai aur lemon tea. So we have ordered Manali special trout fish. कैसा लगा? टेस्टी है. कांटे वगैरह जो है सिर्फ ये बीच में एक कांटे सॉफ्ट है ना. सॉफ्ट और टेस्ट बहुत अच्छा है इसका. हमारा टाइम हो गया जाने का. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर केयर. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रहने में. थैंक यू दीदी, टेक केयर. सतलज नदी बहती है यहाँ से. और अभी भी हम लोग घूम रहे हैं चंडीगढ़ में. कल सुबह की फ्लाइट है 7 बजे की. मेरा फ्रेंड जया पटना से ही है.
मेला पहुंच गए हैं और यहाँ पे काफी गर्मी है। राशि अभी भी जैकेट डाली हुई है लेकिन इसका हालत खराब हो रखा है, तप रही है। अभी बस घर जाना है, सामान फेंकना है और फिर बस अपने नेक्स्ट जर्नी के इंतजार में।